जी हाँ दोस्तों, रॉबिन मिड्स ने आईपीएल 2024 से पहले दोहरा शतक ठाकर पूरे देश में मचाया खलबली। रॉबिन मिड्स ने पहले ही मैच में 201 रन बनाकर आईपीएल 2024 से पहले फैलाई सनसनी। तो दोस्तों, रॉबिन मिड्स का पूरा बैटिंग का हाइलाइट्स हम आप लोगों को बताएंगे इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो का साथ। तो दोस्तों, रॉबिन मिड्स गुजरात टाइटन में 3,60,00,000 रुपये में शामिल होने के बाद पहली बार सीकर नायडू ट्रॉफी खेलने के लिए उड़ीसा पहुंचा था और उड़ीसा में जाकर खतरनाक इतिहास रच दिया। रॉबिन मिड्स ने 199 गेंदों में 23 चौका और 9 छक्के की मदद से शानदार 201 रन बनाकर सभी को चौंका दिया है। गुजरात टाइटन की तरफ से आईपीएल 2024 में खेलने वाला पहला आदिवासी खिलाड़ी ने सीके नायडू ट्रॉफी में अपने अतिशी पारी का जलवा दिखाया। उड़ीसा के खिलाफ मैच में रॉबिन मिड्स ने दिखाया कि आखिर उन्हें रांची का क्रिस गेल क्यों कहा जाता है। गुजरात टाइटन ने आखिर रॉबिन मिड्स के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया है, उसमें कुछ तो बात है। रॉबिन मिड्स वीर सुरेंद्र साई स्टेडियम में खेला गया मैच में दोहरा शतक ठोक चुके थे। 201 रन में से 146 रन केवल चौके और छक्के से बनाया था। झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन मिड्स ने 199 गेंदों की अपनी पारी में 101 की स्ट्राइक रेट से शानदार 201 रन बनाया था। उसने अपनी पारी में आक्रामक तरीकों से 23 चौका और 9 गगनचुंबी छक्का जोड़ा था। तो दोस्तों, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं कि आखिर रॉबिन मिड्स को रांची का क्रिस गेल क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, रॉबिन मिड्स आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वह गुमला के तेलगांव के रहने वाले हैं। आप लोगों को बता दें कि गुमला से भारत के लिए खेलने वाले बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी निकले हैं। रॉबिन को रांची का क्रिस गेल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रॉबिन बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, शरीर भी काफी तगड़ा है और रॉबिन गगनचुंबी छक्के लगाने में माहिर है। रॉबिन मिड्स पहले ही गेंद से तगड़ा शॉट खेलने में पसंद करता है। रॉबिन मिड्स झारखंड का पहला आदिवासी खिलाड़ी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट लीग खेलने का मौका मिला है। रॉबिन मिड्स की दोहरे शतक की सबसे खास बात यह था कि 140 रन केवल 32 गेंदों में बनाया था। रॉबिन मिड्स अभी 21 साल के हैं और वह झारखंड की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि धोनी ने रॉबिन मिड्स को अपने टीम में लेने के लिए पूरा मन बना लिया था। आईपीएल 2024 के एक्शन से पहले रांची एयरपोर्ट पर धोनी रॉबिन के पिता से मिले थे और उनसे कहा था कि अगर कोई उन्हें नहीं खरीदता है तो हम अपने टीम में शामिल कर लेंगे। धोनी के इतना कहते ही खबर फैलने में देरी नहीं लगी और जब आईपीएल एक्शन में रॉबिन के नाम से बोली लगने लगी तो सबसे पहले सीएसके ने बोली लगाई थी। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने भी रॉबिन के लिए बोली लगाई थी और आखिर में गुजरात टाइटंस ने रॉबिन मिड्स को 3,60,00,000 रुपये खर्च करके अपने खेमे में शामिल कर लिया। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन कौन आईपीएल 2024 में रॉबिन मिड्स का बैटिंग देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।